हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू नॉलेज चैनल में। आइए बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। और जैसा कि मेरी प्रिडिक्शन लगभग 100% सही होती जा रही है, आप लोगों का ऐसी साथ प्यार मिलता रहेगा दोस्तों। आगे भी मैं आप लोगों के साथ ऐसी पॉजिटिव और अच्छी सटीक प्रिडिक्शन शेयर करता रहूँगा दोस्तों। और जिसने मेरे लास्ट 2-3 वीडियो देखे होंगे आलोक में, उसको बिल्कुल मालूम होगा कि मैंने जो भी प्रिडिक्ट किया था नॉलेज बेस और टेक्निकल बेस, फंडामेंटल बेस, वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है दोस्तों। और आइए फटाफट, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, फटाफट बात करते हैं आलोक के बारे में, आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। दोस्तों आज भी आलोक में अपर सर्किट लग गया है, 12 लाख लगभग शेयर ट्रेड हो चुके हैं दोस्तों। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ MACD के बारे में, जो लोग नए हैं उनको मैं एक बार बता दूँ दोस्तों। MACD का जो टेक्निकल ट्रैकर होता है वो बाइंग और सेलिंग का मींस दो टाइप की क्रॉसओवर बताता है। जब ग्रीन लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर होती दोस्तों तो वो बाइंग जोन कहलाता है। और आइए देखते हैं आलोक में क्या सिग्नल दिखा रहा है अभी मैं। और एक और पॉइंट और बता देता हूँ, इसमें एक जीरो लाइन होती दोस्तों। जीरो लाइन के अगर ये दोनों लाइन ऊपर निकल जाए और ग्रीन लाइन ऊपर होती है तो उसे स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल कहते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं आलोक में क्या है। देखिए दोस्तों, आलोक में जैसा कि दिख रहा है साफ साफ MACD का पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो। लेकिन अभी ये जीरो लाइन के पास या उससे बहुत दूर कह सकते हो भी है, सो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव क्रॉसओवर है दोस्तों। और थोड़ा सा इसमें एक पैटर्न थोड़ा सा देखने वाली बात है, जो यहाँ पर पहले इसने रिवर्सल लिया था, आप देखिए दोनों लगभग सेम बन रहे हैं। ये सो दोस्तों, होप ये दोबारा से स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल दिखाए हम लोगों को और फिर दोबारा से ये एक अच्छी खासी रैली दिखाएगा। यहाँ से जैसे ये गई वैसे उम्मीद करते हैं, जैसे पहली रैली गई दोस्तों, उम्मीद करते हैं दूसरी भी ऐसी जाएगी। और दोस्तों दूसरा सिग्नल जो RSI का होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो भी दोस्तों पॉजिटिव है, आप देख सकते हो। ना ही अभी आलोक इंडस्ट्री का शेयर ओवर बोर्ड जोन में है, ना ही ओवर सोल्ड में है, लेकिन ओवर सोल्ड के बहुत पास है दोस्तों। सो इसमें अभी बाइंग बहुत अच्छी खासी होने के चांसेस हैं। और जैसे वॉल्यूम आ रहे हैं दोस्तों, सो मे बी ये बाइंग हैवी रहेगी। और जब तक ये ओवर सोल्ड के आसपास रहेगा दोस्तों, मीन्स ओवर बोर्ड तक नहीं जाता, तब तक हमें कह सकते हो टेक्निकल का ये कि इसमें बाइंग के चांसेस ज़्यादा हैं, सो हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देख सकते हो दोस्तों, बाय ऑर्डर इसमें लगातार लगते जा रहे हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी में लग रहे हैं दोस्तों। सो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक भी शेयर किसी के बहकावे में या रूमर्स के चक्कर में मत बेचना दोस्तों, क्योंकि बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। क्योंकि ये राइट टाइम है दोस्तों होल्ड करने का, कह सकते हो आप। बस आपको ये टेक्निकल इंडिकेटर में पूरा पूरी नज़र बनाए रखनी पड़ेगी। और देखिए जो इसका रेसिस्टेंट है पहला, वहाँ तक इसे पहुँचने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने पावर, कितने फ्लो के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। सो पहला रेसिस्टेंट कहाँ पर है इसका, वो देख लेते हैं दोस्तों। 26 रुपये के आसपास का पहला रेसिस्टेंट बन रहा है। सो हमें 26 रुपये तक तो कोई घबराने की या टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों इसमें। और सेल तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप बिल्कुल सेल करिए या एक भी शेयर बेचिए अभी तो फ़िलहाल, जो अभी टेक्निकल बिल्कुल बुलिश दिख रहे हैं दोस्तों। सो मेरे हिसाब से सेल बिल्कुल नहीं बनता इसमें भी। और दोस्तों इन फ्यूचर मेरे हिसाब से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत कुछ होने वाला है, मीन्स पॉजिटिव होने वाला है। जैसे ये न्यूज़ ने यहाँ पर अपडेट भी किया है, देखिए मोदी जी हमारे PM साहब ने भी इसके बारे में बोला था कि आत्मनिर्भर भारत में बहुत अच्छा योगदान कर सकता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, और उसमें बहुत सारे मज़दूर को रोज़गार भी मिल सकता है और इसमें बहुत सारा स्कोप भी है दोस्तों ग्रोथ का। सो दोस्तों
ये सेक्टर बहुत हाईलाइटेड है और इसके अंदर स्कोप भी है। और दोस्तों देखिए, एक और न्यूज़ या अपडेट है, मींस आलोक के बारे में नहीं है, होलसेल टेक्सटाइल के बारे में है। जो एक्सपोर्ट का डाटा है दोस्तों सितंबर का, वो पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है एज पर दिस वेबसाइट। ये आप पढ़ सकते हैं, एक्सपोर्ट 27 बिलियन डॉलर का हुआ था लास्ट ईयर 2019 के मुकाबले, लगभग 5% ज़्यादा का हुआ है दोस्तों। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, लॉकडाउन के बाद हमने या इस सेक्टर ने आगे बढ़ा है, और जिसमें कि एक्सपोर्ट में आपको पता ही है आलोक का बहुत बड़ा काम है दोस्तों आलोक का। सो मुझे लगता है कि Q2 के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे और आने वाले टाइम में 1, 2, 3 मतलब कह सकते हो कि पॉजिटिव खबरें आने की उम्मीद है। 1 Q2 का रिजल्ट आएगा दोस्तों, और अगर उसमें ठीक ठाक बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस शो हो गया या आ गया, क्योंकि उनका एडिशनल बिजनेस भी है PPP किट का, और उसके भी थोड़ा बहुत आपको पता ही है 1 लाख पर डे की उनकी कैपेसिटी है, सो उससे भी एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा दोस्तों। और जो टेक्सटाइल से होता है रेगुलर में वो तो हो गई। सो उम्मीद है कि Q2 के रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएंगे और फिर दोबारा से इसमें तेज़ी और मजबूत हो जाएगी। और दूसरा, जो सरकार टेक्सटाइल सेक्टर में नई नीति लाने वाली है दोस्तों, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे टेक्सटाइल का काम इंडिया में बहुत कम है और इसमें बहुत सारा स्कोप है बढ़ने का। सो लॉन्ग टर्म के निवेशक को तो बिल्कुल सोचना नहीं है क्या करना है कैसे करना है, रूमर्स में नहीं फंसना। लॉन्ग टर्म का माइंडसेट है तो आप लोगों को पूरा स्टडी करना पड़ेगा कि टेक्सटाइल में भारत का कौन से नंबर पे है। और आलोक बहुत पुरानी कंपनी है दोस्तों, और रिलायंस और JM फाइनेंशियल पूरी तरह स्टेक है उनका उसमें, और आपको पता ही 38% लगभग है, और ऑलरेडी ये बैंक करप्ट वगैरह होके बाहर आके अब रीग्रो कर रही है। सो दोस्तों रीग्रो में आपको पता ही ये सारी गलतियां जो पहले करी होती हैं वो ऑलरेडी कंपनी के प्रमोटर्स या कह सकते हो जो भी संचालन करने वाले हैं उनको पता होता है कि जो गलतियां पिछले हुई थी उनको गलतियां दोहराना नहीं चाहिए। और होप आलोक इंडस्ट्रीज में हमें बहुत जल्दी बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। और मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि अभी बिल्कुल एक भी शेयर सेल मत करिए दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और रूमर्स में मत फंसिए, ये मेरा मानना है। और जो लोग नए हैं मैं उनसे ये बोलूँगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको स्टॉक मार्केट और आलोक या फिर कोई और पर्टिकुलर शेयर का अपडेट चाहिए सो मेरे चैनल से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी नॉलेज ज़रूर बढ़ेगी, और जो कि आप थोड़ा बहुत अर्न कर सको। और मेन मोटिव मेरा होता दोस्तों कि पैसे कमाओ तो वो तो ठीक है, लेकिन जो अपनी लागत है पूंजी है उसको बचाना पहले ज़रूरी आना चाहिए। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।